हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M12 के बारे में कुछ नए ट्रिक्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना है। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करके यहाँ पर डिस्प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मिल जाएगा। तो फिर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, और यहाँ पर नेविगेशन बार नाम का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, और आपको स्वाइप गैजेट पे क्लिक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर नेविगेशन बटन चेंज हो चुका है। इसको अगर आप ऐसे खींचेंगे नीचे से, तो फिर ये होम बटन जैसा काम करेगा। इसको अगर आप ऊपर करके रखोगे तो फिर ये रिसेंट ओपन ऐप्स दिखाएगा। और अगर मैं इस पर क्लिक करके इस साइड से स्लाइड करूँ ना, एकदम साइड से स्लाइड करूँ, तो फिर ये बैक हो जाएगा एकदम बैक करके। फिर अगर आपको गूगल असिस्टेंट खोलना हो, तो फिर यहाँ पर साइड में कुछ बटन जैसे दिख रहे थे होंगे, अभी नहीं दिख रहे। अगर इसको आप साइड से ऐसे खींचेंगे तो फिर ये गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा। उसके बाद आपको फिर से सेटिंग में जाना है। अगर ये वाला सेटिंग आपको पसंद नहीं है, तो फिर आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं। फिर से मैं उसी ऑप्शन से उसी जगह पर पहुंच जाऊंगा, और यहाँ पर मोर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आप यहाँ पर स्वाइप फ्रॉम बॉटम पे आप अगर क्लिक करते हैं, तो फिर यहाँ पर आपको 3 लाइनें दिखेंगी। तो फिर ये शुरू हो चुके हैं। अगर मैं बीच वाले को खींचूंगा नीचे से, तो फिर ये होम बटन जैसा काम करेगा। इस साइड से खींचूंगा तो फिर ये रिसेंट ओपन ऐप्स को सपोर्ट करेगा, और ये नीचे इस साइड से अगर मैं खींचूंगा, तो फिर ये फिर से बैक का ऑप्शन जैसा काम करेगा। तो फिर अगर आपको इसमें से कोई भी नहीं पसंद, तो फिर आप इसको बटन्स पे ही क्लिक कर दीजिए। तो फिर मेरे को स्वाइप गैजेट्स वाला पसंद है, इसलिए मैंने स्वाइप गैजेट्स वाला कर दिया है। तो फिर मैं बैक करता हूँ। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि सेकंड पिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो फिर उसको करने के लिए फिर से सेटिंग में आ जाना है, और आपको थोड़ा स्क्रॉल करके एडवांस फीचर्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर साइड की का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन एनेबल हुए दिखेंगे।
कॉल को मिस करते हो और आपका फोन कुछ ऐसा।